शहर पुलिस ने भरत नगर स्थित हवेली कैफे के हुक्का पार्लर पर छापे की कार्रवाई की। पुलिस ने कैफे मालिक, कर्मचारी और ग्राहकों सहित आरोपियों को हिरासत में लिया है। सिटी में देर रात अम्बाजरी के हवेली हुक्का पार में पुलिस की टीम ने छापा मारा, जबकि दो हुक्का पार्लरों पर पीएस स्टाफ द्वारा और फ्यूजन कैफे में जोनल दस्ते द्वारा छापेमारी की गई। हवेली में 10 और फ्यूजन में 11 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। दोनों ही छापों में मालिकों पर भी मामला दर्ज किया गया है। काल रात्री 9 वाजता वेस्ट हाईकोर्ट रोड धरमपेट या ठिकाणी एक फ्यूजन म्हणून हुक्का पार्लर चालू आहे अशी आम्हाला एक इन्फॉर्मेशन मिळाली होती आणि ती इन्फॉर्मेशन मिळाल्यानंतर झोन 2 पथक आणि पोलीस स्टेशनचे पथक असे संयुक्त कारवाई केली आणि त्या ठिकाणी रेड केली असता तर त्या ठिकाणी 5 मुले आणि 2 मुली हे हुक्का सेवन करत असल्याचे आम्हाला आढळले। त्याचप्रमाणे त्याचा मालक जो आहे तर तो सर्व सर्व्हिसेस देताना आम्हाला आढळून आला, त्यामुळे त्याच्यावरती कायदेशीर कारवाई केलेली आहे आणि गुन्हा दाखल करून आम्ही त्यांना अटक केलेली आहे। नाही आता आम्ही जी चौकशी आता चालू आहे त्याच्यामध्ये, परंतु आधीपासून नाही इतक्यातच ते चालू केलेलं आहे त्यांनी, त्या बाबतीत आम्ही आता पुढच्या तपासामध्ये काय ते निष्पन्न होईल। कॅफे के मॅनेजर आकाश मेश्राम, शुभम राऊत समेत 2 कर्मचारी और 7 ग्राहकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 110,290 रुपए का माल भी जब्त किया है। आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।